कोंडागांव नगर पालिका के एरिया में एक एनसीसी ग्राउंड होता है, जहां पर एक मंच है जो कि आज 4 साल से अधूरा है, जो कि एक ठेकेदार द्वारा बनाया जा रहा था और यह कार्य जनपद पंचायत कोंडागांव द्वारा करवाया जा रहा था। ये जो आपके पीछे जो मंच है, इसका छत नहीं है, कब से इस कंडीशन में है? ये तो 7-8 महीना हो गया लगभग, क्या कि बारिश पानी हवा आया था तो उसकी वजह से पूरा उड़ गया, और जो सामने का जो रॉड है उसमें कोई वो नहीं था, बोल के वो पीछे चले गया। तो शासन इस ओर ध्यान दे रही है या नहीं दे रही? कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो यहाँ किस ढंग का आयोजन होते रहता है इस मंच में? वही गाँव वाले लोग आते हैं, हड़ताल करते हैं, चले जाते हैं, बस हो गया। खेल कूद वगैरह नाचा वगैरह होता है कभी मेला मंडई में? मेला मंडई में होता है, पर यहाँ पे बस ऐसे बैठे, चारों तरफ पर्दा लगा रहे थे, ऊपर नीचे, बस हो गया। और अधिकारी मंत्री वगैरह भी आते हैं इस मंच पे? मंच पे तो आए हैं, कल ही आए हैं, कल कुश्ती हुआ था उसके लिए आए थे, तो फिर भी आप देख रेख लीजिए, आप क्या बोल सकते हैं। तो पानी बरसात में यहाँ बैठने वालों को दिक्कत नहीं होती? दिक्कत होती है, खास करके हम लोग यहाँ खेलते कूदते रहते हैं, हम ही लोगों को दिक्कत पड़ता है। पानी वानी गिरता है तो कहाँ रुकेंगे, किसी के घर तो जा नहीं सकते, तो यहीं रुकना पड़ेगा। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी हम यही चाहते हैं कि ये मंच बन जाए अच्छा से, और कुछ नहीं, क्या है कि हमको दुविधा पड़ते ही पड़ती, हमारी घर यहीं है, और कुछ गांव वाले लोग आते हैं उनको रुकने का सुविधा मिल जा, कहाँ करेंगे, रुकेंगे कहाँ, तो यहाँ रुक सकते हैं तो उनका भी सुविधा हो जाएगा। अभी कुछ ही दिन पहले, 5 से 6 महीना पहले आंधी तूफान आने के कारण यह मंच जो ऊपर का छत है वो हवाओं के द्वारा उड़कर दूसरी ओर चला गया था, लेकिन किस कारण से यह मंच अधूरा है यह अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस मंच पर कई शासकीय अशासकीय कार्यक्रम होते रहे हैं और होते हैं अभी भी। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए संबंधित अधिकारी हैं कोंडागांव जनपद पंचायत CO योगिता देवांगन जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9425598514। इस नंबर पर संपर्क कर इस मंच को अतिशीघ्र बनाएं, ताकि यहां पे और भी प्रोग्राम भविष्य में किया जा सके। मैं खिरेंद्र यादव, इंडिया अनहर्ड के लिए, कोंडागांव, छत्तीसगढ़।